मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। दीपावली पर पटाखों की बिक्री और उपयोग इस बार भी प्रतिबंधित रहेगा। वायु प्रदूषण के कारण NCR और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में उच्चतम न्यायालय व NGT ने यह प्रतिबंध लगा दिया है। इस क्रम में मेरठ में बीती रात अनाज मंडी में दो व्यापारियों सतीश अग्रवाल व ईशु जैन के गोदाम पर छापा मारकर पटाखे व आतिशबाजी का अवैध जखीरा बरामद कर लिया गया। इनकी कीमत करीब 40 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। उधर मेरठ रोटा रोड पर दहिया धर्मी कांटे के पास गौरव मोहन गुप्ता निवासी केसरगंज के गोदाम से भी अवैध रूप में रखे गए पटाखे बरामद किए गए हैं। पुलिस व प्रशासन की इस कार्रवाई का व्यापारी नेताओं ने यह कहते हुए विरोध किया कि पटाखे व आतिशबाजी बेचने वालों की अपेक्षा इसके बनाने पर ही प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। व्यापारी का क्यों उत्पीड़न किया जा रहा है? पुलिस ने बीती रात ही सतीश अग्रवाल को हिरासत में ले लिया था, लेकिन अभी तक उनकी लिखापढ़ी नहीं की गई है। आज सुबह नगर मजिस्ट्रेट अमित कुमार भट्ट ने यह जानकारी दी। इनका कोई लाइसेंस नहीं था और ये घनी आबादी में सराफा बाजार और जो गल्ला मंडी पड़ती है वो सकरा क्षेत्र है और आबादी युक्त है, तो वहाँ पर भारी मात्रा में स्टॉक था, वो पाया गया। और दो व्यक्ति थे, सतीश जायसवाल और ईशु जैन करके, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की गई। हाँ, दोनों विरुद्ध कार्रवाई हुई है, गिरफ्तार कर लिया। यह जो हम लोगों को रैपर मिला है वो तमिलनाडु के शिवगंगा का है, वहाँ से आया। अगर पटाखों के खिलाफ जो अभियान है उसकी शुरुआत होगी, किस तरह के कौन कौन से क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ पे? जहाँ पर परंपरागत रूप से पूर्व में बताया जा रहा है कि लोग बनाते थे और जो चोरी छुपे बना रहे हैं उनको भी चिन्हित किया गया है ऐसे क्षेत्रों को, कि कोई भी चोरी छुपे भी अगर बना रहा हो तो उन पर भी प्रभावी कार्रवाई की जाए। जो ऐसे तो असेसमेंट जो किया गया वो लगभग 25-25 लाख के इर्द गिर्द का, वो सब विनष्ट कराया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।